और वेलकम बैक टू अनदर चैटॉक वीडियो। आई होप यू ऑल आर सेफ। तो आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे विच इज सेल्फ एक्सेप्टेंस वर्सेस सेल्फ इम्प्रूवमेंट। लेकिन आज के टॉपिक पे बात करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तो आइए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप आज की वीडियो पर। गाइज, अपने ऊपर काम करना और अपने आप को एक्सेप्ट करना, ये दोनों चीजें ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, पावरफुल एंड ब्यूटीफुल हैं इन दिस होल वर्ल्ड। और सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये दोनों चीजें हमारे लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकती हैं इन अ लॉट ऑफ वेज, करती भी हैं। पर हम में से बहुत सारे लोग गलती करते हैं ये सोचकर कि सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक ही चीज है। गाइज, ये दोनों एक चीज नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो के अगले सेगमेंट में बात करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस के मीनिंग की। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं, बहुत सारी चीजें लर्न करके और एक्सपीरियंस करके। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ की रूटीन में अपने आप को बहुत सारे टास्क देते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो उसे हम कहेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब अगर मैं बात करूँ सेल्फ एक्सेप्टेंस की, तो जैसे ये वर्ड है सेल्फ एक्सेप्टेंस, वो अपना मीनिंग बहुत अच्छे से दिखा रहा है कि क्या मीनिंग है। तो हाँ, सेल्फ एक्सेप्टेंस का मीनिंग यही है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो एज हु यू आर विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी इम्प्रूवमेंट। लेकिन जो बहुत ज्यादा सवाल हमारे मन में आता है कि क्या सेल्फ एक्सेप्टेंस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बीच में आती है, तो आइए करते हैं इससे रिलेटेड बात अपनी वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में। एक्सेप्टेंस है वो इम्प्रूवमेंट के साथ साथ चलती है। इन शॉर्ट, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आई गेस आप यहाँ पे अब कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि हम ब्रोकन हैं या समथिंग इज रॉन्ग विद अस, हमारे में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं जो हमसे एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं, तो लेट्स इम्प्रूव और चेंज आवरसेल्व्स। और ये सच भी है कि इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो या जिसके अंदर फ्लॉज ना हो। नहीं, हम सब में फ्लॉज हैं। वैसे भी हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुली हैं लोग, छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे को नीचे गिराने की ट्राई करते रहते हैं जस्ट बिकॉज वो खुद ऊपर उठ सके। कोई कहता है तू इतना फैट है, कोई कहता है तू इतना स्किनी क्यों है, तो कोई कहता है कितनी जोर से बात करती है ना ये लड़की, ऐसे बात नहीं करती, तो कोई कहता है यार तू इतना टू नाइस क्यों है। तो जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है वो इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने में आता है। हाँ हूं मैं इतना स्किनी, हाँ हूं मैं इतनी फैट, हाँ हूं मैं इतनी लाउड, हाँ हूं मैं इतना टू नाइस, सो वॉट। वॉट आई बिलीव इज कि जो परफेक्ट कहते हैं ना लोग कि परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, मुझे एवरीथिंग परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट एक मिथ है, मुझे तो यही लगता है। पर यहाँ पे जो हमारा मेन क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि अगर हमने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया अपने फ्लॉज के साथ, तो फिर कहाँ से सवाल उठता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। अभी जैसे मैंने पिछले सेगमेंट में बोला कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंसान क्यों प्रैक्टिस करता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम ब्रोकन हैं या समथिंग इज रियली रॉन्ग विद अस, और हमारे साथ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन ये बहुत बड़ी अजम्पशन है। हाँ आप परफेक्ट नहीं हो, हाँ आप में फ्लॉज हैं, ठीक है मान लिया, लेकिन फिर भी आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को। हमें इम्प्रूवमेंट अपने अंदर इसीलिए नहीं करनी क्योंकि बहुत सारे हमारे अंदर फ्लॉज हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं या समथिंग इज रॉन्ग विद अस। नहीं, हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट इसीलिए करनी है क्योंकि आई वॉन्ट टू,
मुझे पता है मैं अंदर फ्लोज है, मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसीलिए हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान देना है। बट हम ये सोचते हैं कि हमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट इसलिए करनी है क्योंकि हम फ्लोड हैं, हम ब्रोकन हैं एंड हमारे साथ कुछ गलत है। फॉर इंस्टेंस मैं अपने आप की बात करूँ तो अगर मैं ये सोचूँ कि मैं जहाँ पर पहुँचना चाहती हूँ लाइफ में वहाँ पर मैं नहीं हूँ अभी, बट मैं अपने आप को ये भी बोल रही हूँ और रियल में बोल रही हूँ, सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं, इट्स ओके अगर तू वहां पर नहीं है जहां पे तू पहुंचना चाहती है, बट फिर भी यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट ना, इट्स फाइन। तो ये रियलिटी में स्टेट ऑफ माइंड लाना बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। अपने माइंड को ये समझाना कि कोई भी लिमिटेशन मुझे डिफाइन नहीं कर रही है। हमें ये ट्राई नहीं करना कि हमारी लाइफ उसकी जैसी क्यों नहीं है या मैं उसके जितनी सुंदर क्यों नहीं दिखती। हमें ये प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ अपने माइंड का बिल्कुल नरेशन ही बदलना होगा। हम में से बहुत सारे लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कोई एंडिंग है, कि इस पॉइंट पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट जाके खत्म हो जाती है, पर नहीं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कोई भी एंडिंग नहीं है। यहाँ पे चलिए मैं अपनी बात करती हूँ। फॉर इंस्टेंस अभी अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ रिलेटेड टू वेलनेस, मेंटल हेल्थ, लाइफस्टाइल से रिलेटेड नीश में, कल को क्या पता मैं किसी और नीश में वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ जो मुझे ऐसा लगे कि मैं शायद बना ही नहीं सकती। दो मैं ये चीज सोचती हूँ अभी भी रियल लाइफ में। मैं ये सोचती हूँ कि क्या पता मेरे में इतनी ज्यादा पार हो कि मैं किसी और नीश में भी वीडियोस बना सकूं, क्या पता मैं कितनी दूर तक जा सकूं, आई डोंट नो, बट क्या पता आई कैन। मुझे नहीं पता मेरी अपनी पावर क्या है जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगी। अब हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत फिट होते हैं लेकिन हम नहीं होते, दैट्स ओके। क्या पता आपके आसपास में फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड हो जो बहुत ज्यादा क्लेवर हो लेकिन आप नहीं हो, दैट्स फाइन। यू आर फाइन एज हु यू आर, पर आपके पास हमेशा चॉइस होती है इम्प्रूव करने की जब आप चाहो। पर हमारे आसपास ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते। व्हाई सो? सी, जैसे अब आपको पता चल ही गया होगा कि सेल्फ एक्सेप्टेंस में क्या होता है, कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो विदाउट एनी चेंज और इम्प्रूवमेंट नहीं करनी। कि जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो जरूरी नहीं हो सकता कि सामने वाले के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होगी। अब फॉर इंस्टेंस किसी को लगता है कि मैं फैट हूं लेकिन हेल्दी हूं, तो इट्स ओके, आई एम फाइन विद इट, मुझे स्लिम नहीं होना। लेकिन सेम किसी और इंसान को लगता है कि मैं फैट हूं, हाँ मैं हेल्दी भी हूं, लेकिन आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज अ फैट पर्सन, तो मुझे स्लिम भी होना है, स्लिम एंड हेल्दी होना है। तो वो उस चीज के लिए इम्प्रूवमेंट करता है एंड वर्क करता है। तो जरूरी नहीं हो सकता कि अगर आपके लिए कुछ चीज इम्प्रूवमेंट में कैटेगरी में होती है इंक्लूड, वो सामने वाले के लिए भी हो। पर यहाँ पे साथ ही साथ एक और क्वेश्चन भी अराइज हो जाता है कि कैसे सेल्फ एक्सेप्टेंस प्रमोट करती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट को। सेल्फ एक्सेप्टेंस का इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपने आप को इम्प्रूव तभी करोगे जब यू वॉन्ट टू, राइट? तो सेल्फ एक्सेप्टेंस पार देती है आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाने में, ओके? जब आपको पता होगा अपने फ्लोज एंड इम्परफेक्शंस की क्या है, तो आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कोई अपॉर्चुनिटीज अगर आपके पास आती हैं तो वो ग्रैब कर सकोगे, अगर आपको पता है आपके फ्लोज और इम्परफेक्शंस क्या है। सी, यहाँ पे सिर्फ एक ही दिक्कत है जो हम में से बहुत लोगों को पता नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, कि अगर आप अपने इम्परफेक्शंस या फ्लोज को ऐसे देखने लग जाते हो कि कोई वो पाप है ऐसा कि जिसे माफ नहीं किया जा सकता, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है चेंज की तरफ जाना या इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना फॉर योर गुड। एंड में गाइज मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आपको स्ट्रॉन्ग फैंसी
होने की कोई जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्शन, बिकॉज अगर सैलेड हाउसेज हैं या सैलेड कैफेज हैं इस दुनिया में, तो मैकडोनल्ड्स एंड बर्गर किंग भी है. एंड आई थिंक मैकडोनल्ड्स एंड बर्गर किंग लोगों को ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू सैलेड हाउसेज और सैलेड कैफे. अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए अपने इनपरफेक्शंस गिनने में, ठीक है, जस्ट बी अवेयर अबाउट इट, ऑल राइट. लेकिन जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो या एनर्जी वेस्ट कर रहे हो अपने इंटरफेक्शंस बार बार गिनने में और बैठ के रोने में कि ओ मेरे में ये गलत है या मेरे में वो गलत है, तो रादर उन इंटरफेक्शंस को गिनने में, टाइम वेस्ट करने में, आप ऐसी चीज़ों को टाइम दो या एनर्जी लगाओ जो आपको एक बेटर चेंज की तरफ लेके जाए, जो ऐसा चेंज जो आपके लिए मैटर करता हो, ना कि पूरी दुनिया अगर कर रही है तो मैंने भी करना है. नो, जो चेंज आपके लिए मैटर करता हो, जिस चेंज का मीनिंग आपके लिए हो, डू दैट थिंग. तो ये एपिसोड तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मेरी चाय पीछे टेबल पर ही पड़ी रह गई. और ठंडी भी हो गई. ओ गॉड, मैं हमेशा भूल जाती हूँ. एनीवेज, लेट्स नॉट क्राई अबाउट इट, विल सॉर्ट इट आउट. सो दिस इज इट फॉर दिस एपिसोड गाइज. आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और कुछ हेल्प मिली होगी या कुछ नॉलेज मिली होगी जो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना पसंद करेंगे, तो प्लीज जरूर कीजिएगा. एंड मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में सून. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे सेन एंड चीयर्स. बाय बाय.